सुप्रभात प्यारे बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने समान अर्थ के अर्थ वाले शब्द पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर, व्याकरण का पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 और उल्टे अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द क्या थे? जो एक ही चीज़ के जो दो नाम होते हैं वो समान अर्थ वाले होते हैं। उल्टे अर्थ मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे कि मोटा पतला, मोटे का ऑपोजिट है पतला, गरम का ऑपोजिट क्या होगा? ठंडा। ठ ऊपर एक डॉट अनुस्वर, ड में आ की मात्रा, डा ठंडा, ठंडा गरम ठंडा। काला गोरा, ग में ओ की मात्रा, गो, र में आ की मात्रा रा, गोरा। जमीन, ज म में ए की मात्रा मी, न जमीन, आसमान आ, स मान आसमान, जमीन आसमान। नेक्स्ट देखो, दिन रात, ये रात है, देखो चंदा मामा निकले हैं ना, रात दिन रात। हंसना रोना, र में ओ की मात्रा रोना, हंसना रोना। एक बार फिर से देख लेते हैं, मोटा पतला, गरम ठंडा, काला गोरा, जमीन आसमान, दिन रात, हंसना रोना। उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़िए, ये आपको पढ़ना है। देखो नीचे ऊपर, नीचे का उल्टा अर्थ है ऊपर, साफ गंदा, उल्टा सीधा, जल्दी धीरे, फूल कांटा, कम अधिक, सच्चा झूठा, मीठा कड़वा, दूर पास, सुबह शाम। ये आपको मुझे पढ़कर भेजना है वीडियो बना के। नेक्स्ट ऑन द पेज, पेज नंबर 26, पहचान और प्रयोग। देखो नंबर वन पहचानना है और यहाँ पर लिखना है, प्रयोग करना है उसको। रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। ये देखो ये रंगीन लिखा है ना, ये शब्द, ये सारे अक्षर काले में है और ये सब रंगीन है, रेड कलर में है, हाँ कलरिंग है। तो इन सब का उल्टा अर्थ जो है ये बॉक्स में दिया गया है, हाँ हमको ब्रैकेट में दिया गया है, हमको चुनकर लिखना है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर, कार में छोटा भाई आगे बैठा और मैं, जब छोटा भाई आगे बैठा है तो मैं कहाँ पर बैठाऊँगा? ये देखो आगे का ऑपोजिट क्या है? बाद में पीछे। आगे का ऑपोजिट आगे, आगे पीछे, पीछे है वो, आपको लिखना है पीछे। प में ई की मात्रा, छ में ए की मात्रा, छे पीछे, ये वाला आपका आंसर। हाँ मेरा बस्ता डैश है पर दीदी का भारी, भारी का ऑपोजिट क्या होगा? पतला हल्का, भारी का ऑपोजिट है हल्का, तो हल्का लिखना है आपको। ह ल क में आ की मात्रा का, हल्का। गीले कपड़े धूप में डैश गए, गीले, गीले का ऑपोजिट क्या होगा? गीले का ऑपोजिट गरम, गरम हो सूख, क्या होगा गीले? तो गीले कपड़े धूप में सूख गए, सूख होगा आपका, आपका सूखना, हाँ सूख होगा आपका मेन वर्ड, उल्टे अर्थ होगा गीले का। नेक्स्ट, धीरे धीरे खाओ जल्दी मत करो, हड़बड़ और जल्दी है ना, आपको जल्दी लिखना है, जल्दी मत करो, धीरे का ऑपोजिट जल्दी है, जल्दी मत करो। नेक्स्ट है देखो फिफ्थ नंबर, मेरा घर पाठशाला के पास है, पास, पास का ऑपोजिट लिखना है, उल्टा अर्थ लिखना है, लेकिन गरिमा का घर बगल में दूर, दूर होगा, दूर है, पास का दूर होता है, तो ये लिखोगे। नंबर टू,
रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर रंगीन शब्द में है ना, इसका उल्टा अर्थ लिखेंगे। नंबर वन, कम बोलो ज्यादा नहीं। यहाँ पर देखो ज्यादा, ज्यादा नहीं, कम का अपोजिट ज्यादा है। टू नंबर, सच बोलो झूठ नहीं। झ में ऊ की मात्रा, ठ, झूठ नहीं। थ्री नंबर, अक्षर सीधे बनाओ टेढ़े नहीं। अक्षर को सीधा बनाना है, टेढ़ा नहीं बनाना है, तो टेढ़े नहीं, टेढ़े देखो यहाँ पर है। फोर नंबर, घर साफ रखो गंदा नहीं। साफ, घर साफ रखो गंदा नहीं। चीनी मीठी है, मीठी का अपोजिट क्या होगा, कड़वी। चीनी मीठी है, कड़वी नहीं। कड़वी, कड़ व में ई की मात्रा, वी, कड़वी, कड़वी नहीं, यहाँ पर डॉट होगा। तो आप ये लिखोगे और याद रखो जो जो वर्ड्स, जैसे पास दूर, यहाँ पर जितने वर्ड्स आते हैं, आगे पीछे, हल्का भारी, गीले, सूख, सूखा, ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है। हाँ, और आपके नोटबुक में आपको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, मोटा पतला, गरम ठंडा, काला गोरा, जमीन आसमान, दिन रात, हंसना रोना। फिर देखो, नीचे ऊपर, साफ गंदा, उल्टा सीधा, जल्दी धीरे, फूल कांटा, कम अधिक, सच्चा झूठा, मीठा कड़वा, दूर पास, सुबह शाम। ये आपका नोटबुक वर्क है, नोटबुक में लिखोगे। सो थैंक यू।